भारत और वेस्ट इंडीज के बीच गुवाहाटी में पहला वनडे मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत मिली, जबकि दूसरा वनडे मैच 24 तारीख यानी कल बुधवार दोपहर 1:30 बजे विशाखापत्तनम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। पहले वनडे मैच बेंच पर बैठे केएल राहुल और मनीष पांडे को एक बार फिर टीम से बाहर रखा गया है, जबकि यह कयास लगाई जा रही थी कि शिखर धवन के स्थान पर केएल राहुल को दूसरे वनडे मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के 12 खिलाड़ी दूसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अवंती रायड्डू, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, खलील अहमद। तो दोस्तों, क्या वेस्ट इंडीज के खिलाफ युवराज सिंह को टीम भारतीय टीम में जगह देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप रोजाना ऐसे ही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे न्यूज आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।